अगली खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां भोपाल इंदौर रोड पर डंपर कार की टक्कर के बाद डंपर चालक ने अपने साथियों को बुलाकर कार चालक के साथ मारपीट की। आपको बता दें, इस दौरान कार पर बच्चे और महिलाएं भी बैठे थे। वही पुलिस ने कार चालक की रिपोर्ट पर डंपर चालक व उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीहोर से चंद्र सिंह भगवान की रिपोर्ट। मैं किसान मूल्य निवासी धर्मदा का हूँ और कल रात हम एक शादी विवाह कार्यक्रम से घर की तरफ जा रहे थे। साथ में मेरे मेरी भाई, 18 महीने का बच्चा, दो बालिका अपनी और बड़े भैया की दो गुड़िया थी। एक ट्रक ने मेरे को साइड से आके टक्कर मारी, उसके बाद में ट्रक को इस पार्ट से कुछ लोगों ने भगा दिया गया। मैंने आगे जाके उसका पीछा करने का सोचा तो ट्रक को आगे जाके ट्रक रुक चुका था, फिर मेरी गाड़ी को रोक दिया और कुछ लोग जो सामाजिक थे, मुसलमान समाज के सब लोग थे, उन्होंने गाड़ी को रोका वहाँ पे और बोला कि अरे ये तो अपने समाज की गाड़ी है, ट्रक वालों को मारने मत दो, गाड़ी को फोड़ा फोड़ी करने लग गए। मेरे साथ गाली घुसता, मेरे साथ झुमा झटकी हुई, बच्चों को भी परेशान कर दिया, मानसिक रूप से हम सभी पीड़ित हुए हैं। और साथ में एक जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया, नंगी और गंदी गालियों का यूज करा गया वहाँ पे। और जब लोगों ने उनको समझाया तो उन्होंने और उल्टा तामी लट और फर्सी के साथ में हमला करा। शरद बजरंग दल एवं अन्य कुछ पार्टियों के लोग आए हुए हैं हमारे कार्यालय में और इन्होंने ज्ञापन देकर के चाहा है कि कुछ अतिक्रमण है अवैध और कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो है कुछ शरारती तत्व मौजूद रहते हैं और उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसा ये मांग कर रहे हैं। तो हम उन जगहों को चिन्हित करेंगे और हमने इनसे कहा है कि इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे कि हमारे जो है शासकीय नियमों के अगेंस्ट जाकर के जो भी कोई इस तरह की हरकत करेगा उस पर पुलिस और प्रशासन अपना पूरा काम करेगा। कल भैरवंडा क्षेत्र में दुर्गा चौक पर एक कार और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था जी, उसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था और एक पक्ष द्वारा थाने में FIR कराई गई है। एक्सीडेंट की अलग FIR हमारे द्वारा की गई है, मारपीट की कई धाराओं में एक FIR की गई है।